असल फ्रेंड्स, मेरा नाम इमरान है और आप देख रहे हैं टॉप वीडियो चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो है एक सॉफ्टवेयर के बारे में। इस सॉफ्टवेयर में खासियत ये है कि ये आपकी जितनी भी सिस्टम में आपके फोटोज़ वगैरह हैं उसको प्रीव्यू, जस्ट एक राइट क्लिक पे आपको प्रीव्यू दिखाता है। इस सॉफ्टवेयर का नाम है पिका व्यू, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में इंस्टॉल करके और इसका तरीका बताऊंगा। इस सॉफ्टवेयर की एक और खासियत है कि ये सिर्फ तस्वीरों के बारे में ही नहीं है, ये अगर आपके पास वीडियोस वगैरह आपको जस्ट क्लिक करके आप प्ले करते हैं जानने के लिए कि कौन सी वीडियो है मीडिया प्लेयर वगैरह में, या VLC प्लेयर जो है आप उसमें चेक करते हैं, जैसे आपको प्ले करना पड़ता है। अदरवाइज आप इसको अगर इस सॉफ्टवेयर में अगर चेक करें तो सिर्फ आपको उस पर क्लिक राइट क्लिक करना है तो वो वीडियो प्ले होके आपको पता चल जाएगा वो वीडियो कैसी है। चलें स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिएगा। चलें हम स्टार्ट कर देते हैं। मैंने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है, इस का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप ये इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही छोटा सा सॉफ्टवेयर है, फर्स्ट हम इसको इंस्टॉल करते हैं। इसका नाम आपको दोबारा बता देता हूँ, इसका नाम है पिका व्यू ACD। ACD एक सॉफ्टवेयर आता था पहले जिसमें हम इंस्टॉल करते थे JPEG वगैरह फाइलें वगैरह कन्वर्ट करने के लिए। ये बेसिकली उसी का एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर ये नया नहीं है मगर अच्छा सॉफ्टवेयर है, जिसके बारे में मैं आपको तफसीली डिटेल में बताऊंगा। जिन फ्रेंड्स को इसके बारे में नहीं मालूम है तो आज हम इसके बारे में तफसीली जानेंगे। ये इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको इसका डिटेल में बताऊंगा ये किस तरह वर्क करता है। तस्वीरों के इमेजेस के बारे में भी जानेंगे और वीडियो के बारे में भी जानेंगे। यहाँ सिस्टम रीबूट मांग रहा है, मैं रीबूट नहीं करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है और एक मेरे वीडियो का टाइटल है, यहाँ पे मेरे चैनल का टाइटल जो है उसकी वीडियो पड़ी हुई है। पहले हम स्टार्ट करते हैं इमेज से। मैं देखें इस पर राइट क्लिक करता हूँ, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इसका डिस्प्ले दिखा रहा है। इस डिस्प्ले के बाद इसके यहाँ पर ACD एम पावर टूल्स के अंदर जब हम जाते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे इसकी एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपकी फाइल किसी भी में हो, जैसे कि ये फाइल JPEG में है तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ कन्वर्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे काफ़ी सारी फाइल्स के आइकन आ रहे हैं जिसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप JPEG को BMP में कन्वर्ट कर सकते हैं, GIF में कन्वर्ट कर सकते हैं, PNG फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, PSD में कन्वर्ट कर सकते हैं और काफ़ी सारी हैं। TIFF फाइल है नीचे, आप उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट तरीका है, नहीं तो अगर हम किसी फाइल को दूसरी फाइल के में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें फ़ोटोशॉप वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। और ये यहाँ पे आप रिसाइजिंग कर सकते हैं, रोटेशन इसकी चेंज कर सकते हैं। तीसरा इसमें जो और बहुत अच्छा फंक्शन है वो है आप इसकी लाइट कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक्सपोजर है, यहाँ एक्सपोजर के अंदर आप इसकी ब्राइटनेस वगैरह कंट्रास्ट ये कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे बिफोर है, आफ्टर, मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, देखें लाइट डार्क हो रहा है। लाइट डार्क के बाद यहाँ पे कंट्रास्ट का है, कंट्रास्ट के बाद फिर गामा है। गामा में आप इसको थोड़ा लाइट वगैरह कर सकते हैं। ये थे उसका एक और फंक्शन। इसके बाद हम दोबारा यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे और इसके नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आप इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो है। अगर आप इस तस्वीर को जो इमेज व्यू है आपका अगर उसका बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से जाके आप
इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके व्यूज के अंदर और बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो आप जब इंस्टॉल कर लेंगे तो आप चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये तो हो गई आपकी इमेज की, दूसरी हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये राइट क्लिक करने पे वीडियो भी प्ले करता है। जैसे मैं इस वीडियो पे राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये वीडियो प्ले करेगा। ये मेरे चैनल का टाइटल है, ये देख रहे हैं आप ये टाइटल। सबसे आसान तरीका ये है कि ये आपको मीडिया प्लेयर खोले बगैर आप बस एक राइट क्लिक पे चेक कर सकते हैं। अब इसके अंदर भी वीडियो ऑप्शन वगैरह आ रहे हैं तो ऑप्शन का हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी इसका व्यूइंग में अगर आप इसका इमेज साइज वगैरह छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। छोटा बड़ा ये मैंने बड़ा साइज़ किया हुआ है इसका, तो यहाँ आपको वो शो कर रहा है। इससे ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं होगा, इससे आप छोटा कर सकते हैं। मैं आपको छोटा करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं क्रोम यूज़ करता हूँ और यहाँ पे 100 कर देता हूँ। ये ओके करने के बाद अब हम इसका रिव्यू चेक करेंगे तो ये देखेंगे इसका रिव्यू में डिस्प्ले छोटा हो गया। तो आप ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा ये सॉफ्टवेयर। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे कमेंट में बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।